हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं हिंदी लर्न टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास। हॉकी में हारे तो पीएम मोदी को मनहूस बता के पनौती किसने ट्रेंड करा दिया। इस पाकिस्तानी मीम में ऐसा क्या था कि 38 लाख रुपए की लगभग बनी इसकी कीमत। क्या सच में चंडीगढ़ के लेक क्लब में कच्छों पे ठप्पे लगने वाले हैं। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात, होम डेकोर के आइडियाज बताते इस चैनल की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। सोशल मीडिया पर वायरल पापड़ी चाट का जिक्र तो आपने सुन ही लिया होगा। अब हम कल के शो की बात करते हैं। कल के शो में हमने की थी बात लखनऊ वाली लड़की की, जो बीच सड़क पर एक कैब ड्राइवर को पीट रही थी। अपने कर्मों का मजा और अपने किए की सजा हर किसी को मिल ही जाती है, चाहे वो हिज हो या हर। पहले भले लड़के का चालान कटा हो, लड़की को चेतावनी देकर मात्र छोड़ दिया गया रहा हो, कल लड़की के खिलाफ FIR हो गई। लेकिन आज खबर ये नहीं है, खबर बनी कैब ड्राइवर की बात। उससे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए। जवाब में ड्राइवर ने कहा, मैं ये चाहता हूँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो मुझे मेरी खराब हो गई है, वो मुझे इज्जत चाहिए, और मेरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है, जो भी कुछ हुआ, वो मुझे दिया जाए। वायरल है गुवाहाटी की कुछ तस्वीरें और वीडियो। मामला यौन उत्पीड़न से जुड़ा है, इसलिए कानूनी वजहों से हम लड़की का नाम या चेहरा नहीं दिखा सकते। लेकिन उन्होंने फेसबुक पर लंबा पोस्ट लिखकर बताया कि कैसे रुक्मणी नगर में दिन दहाड़े एक लड़के ने उनके साथ अश्लील हरकत की और उन्होंने हिम्मत करके उसकी स्कूटी का पिछला हिस्सा पकड़ा, उठाया और उसे नाली में गिराकर ही दम लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। ओलंपिक्स चल रहे हैं, खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं। दूसरी ओर राजनीति के खिलाड़ी भी अपना अलग ही खेला होबे कर रहे हैं। खेल काहे का कर रहे हैं, वो क्रेडिट लेने का। कहीं पे दूसरे की डिलीटेड व्हाट्सएप चैट में से सूखी धनिया की पत्ती खोज लाने वाली एंकर्स सारे खिलाड़ियों के अच्छे खेल का श्रेय अनुराग ठाकुर को देती मिली। वैसे श्रेय तो उमर अब्दुल्ला भी दे रहे थे, वीडियो वायरल है। कहीं पे नजर आता है कि हॉकी में अच्छे प्रदर्शन का श्रेय दिया जा रहा है ओडिशा की सरकार को। कहीं पे नजर आता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अलग ही क्रेडिट के गेम में चल रहे हैं। वो कह रहे थे कि गोल करने वाले सारे पंजाब के खिलाड़ी थे, उस पर वो अलग ट्रोल हो गया। मतलब हर ओर क्रेडिट का ही खेल है। यही क्रेडिट का खेल उल्टा पड़ गया जब सेमीफाइनल्स में मेंस हॉकी टीम हारी, 2-5 से हम हारे। उसके बाद पीएम मोदी के लिए बड़ा गंदा सा एक ट्रेंड चला, उन्हें मनहूस बताया गया। कहा गया कि ये जहां इन्वॉल्व हो जाते हैं देश की हार हो जाती है। हैशटैग पनौती भी चला दिया गया, जो ट्विटर पे आज टॉप पे ट्रेंड हो रहा था। तो हुआ कुछ यूं कि आज मेंस हॉकी टीम बेल्जियम से 2-5 से मैच हार गई है। पीएम के लिए पनौती वाला ट्रेंड इसलिए चल पड़ा क्योंकि उन्होंने पहले ही ट्वीट करके बताया था कि वो आज का मैच देख रहे हैं। बाद में विंस एंड लॉसेस आर पार्ट ऑफ लाइफ टाइप ट्वीट करते दिखे तो ट्रोलिंग शुरू हो गई। ट्विटर के पहले नंबर पर यह ट्रेंड होता हुआ नजर आया हैशटैग। फेसबुक पर लोग कमेंट बॉक्स में लिखते मिले, प्रणाम प्रधानमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि ओलंपिक का कोई मैच देखने का कष्ट ना करें, अन्यथा पनौती हो जाए। दूर से बधाई बधाई देते रहिए, धन्यवाद। ये बात भी बार बार लिखी गई कि आज का मैच हम प्रधानमंत्री के मैच देखने के कारण हार गए हैं, अब वो महिलाओं का सेमीफाइनल ना देखें ताकि हम जीत जाएं। लिखा गया, हाथ जोड़ रहे हैं, अब महिलाओं के सेमीफाइनल को देखने से दूर रहिएगा। कोई तो ये तक लिख गया कि कसम से देश बहुत परेशान है, आपसे हमारे ऊपर थोड़ा रहम करो और पद से इस्तीफा दे दो। ट्विटर पर लोगों ने पहले से ही ये भी लिखना शुरू कर दिया था कि प्लीज सर मैच मत देखिए, आपके देखने के पहले इंडिया 2 बेल्जियम 1, आपके देखने के बाद इंडिया 2 बेल्जियम 2। चंद्रयान मिशन की बातें भी बार बार कही गई। लोगों ने कहा, सर यदि संभव हो तो कृपया बड़े इवेंट्स देखना अवॉइड करें, पहले चंद्रयान और अब हॉकी, यदि संभव हो तो तेल के दाम देखें, वो हमें मारे डाल रहा है। किसी ने तंज में लिखा, ओलंपिक्स खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को चंद्रयान जैसी गति प्रदान करने के लिए हैशटैग धन्यवाद मोदी जी। कोई लिखता मिला, हैशटैग पनौती लगने की शुरुआत, 2014 में देश पर, देश की जनता के प्यार और भाईचारे पर, इकोनॉमी पर, रोजगार पर, देश के संसाधनों पर, एयरपोर्ट, रेलवे, नवरत्न कंपनियों पर, चंद्रयान पर, खेलों पर, हर जगह पनौती लगी है। आगे कहा गया, जब तक पीएम रहेंगे पनौती लगती रहेगी। कोई बोला, पनौती का ट्वीट भारत को ले डूबा, हम 2-1 से आगे चल रहे थे, पीएम मैच देखना शुरू कर दिए, ट्वीट किया, नतीजा 5-2 से हार गए, इनके इसरो जाने की वजह से चंद्रयान चांद पर गिर गया था, संपर्क टूटा था, मनहूसियत 7 समंदर पार तक पीछा नहीं छोड़ती। तो कोई बोला, आप सभी से गुजारिश है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पनौती न बुलाएं, माना कि वो इसके जरा सा भी काबिल नहीं, पर थोड़ी सी तो इज्जत करें उनकी, इसलिए उन्हें पनौती के बजाय पनौती हिंद बोलें।
कुल जमा एक हार हुई और सब लोग अपनी असलियत पर उतर आए। दकियन उसी बातें करने लगे, पॉलिटिकल छींटाकशी के लिए अंधविश्वास बढ़ाने वाली बात तक करने लग गए। यही वो लोग हैं जो कोहली के स्कोर न करने पर अनुष्का को पनौती बताने लगते हैं। यही घटिया मानसिकता महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित करने तक चली जाती है। लोगों को लगा होगा हम तो बड़े फनी या सरकास्टिक हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं था, आप घटिया हो रहे थे। पॉलिटिकली किसी को निशाना बनाइए, पीएम मोदी और सरकार की पोस्टरबाजी या हर मौके को इवेंट में बदलने की आदतों पर ओलंपिक्स के दौरान सवाल उठते ही रहे हैं, लेकिन किसी को पनौती कह के खिसियाहट निकालना बिल्कुल ठीक नहीं है। फ्रेंड से बैंडेड विद मुदस्सिर ना सलमान इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये वाली फोटो आपने फेसबुक पे कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। मतलब सालों से ये फेसबुक पर वायरल है। नजर क्या आता है कि एक लड़के की फोटो है जो एकदम हरे कलर से कट्टम खुट्ट है और दूसरी तरफ दो लड़के ऐसे आपस में हाथ जोड़े, मतलब दोस्ती फिल्म के बॉबी देओल और अक्षय कुमार की तरह एकदम बस नजर ही आ रहे होते हैं। आपने भी बहुत सोचा नहीं इस फोटो के बारे में कि ये कहां से आई क्या आई, बस ये आपको अंदाजा लगा कि किन्हीं पाकिस्तानी लड़कों का कारनामा होगा। अब वही फोटो जो अब मीम बन चुका है, उसकी कीमत लगी है 38 लाख रुपए। आप होगे क्यों, कैसे, कहां, बताते हैं। मोहम्मद आसिफ राजा नाम था उस बंदे का जिसने 13 सितंबर 2015 को फ्रेंडशिप एंडेड विद मुदस्सिर वाली फोटो फेसबुक पर डाली और वो वायरल हो गई। ट्रीट के तौर पर आपको इन दोनों की ताजी तस्वीर दिखा देते हैं। हुआ यह था कि गुजरांवाला पाकिस्तान के रहने वाले दोस्तों ने बहुत बेसिक सी एडिटिंग करके ये बालकों टाइप ये पोस्टर बनाया था जो अपने कंटेंट और ऐलान के तरीके के चलते वायरल हो गया। नई बात यह हुई कि NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन के तौर पर ये तस्वीर इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे पर $51,350 में बिकी है। NFT को ऐसे समझिए कि क्रिप्टोग्राफिक संपत्तियां होती हैं। डिजिटल आर्ट मार्केट प्लेस में आर्टिस्ट लोग अपने आर्ट, मीम, तस्वीरें वगैरह ऐसे बेचते हैं। कई ट्वीट भी NFT के तौर पर बेचे जाते हैं। वहीं इस तस्वीर की कीमत लगभग 38 लाख रुपए लगी। बताइए ये फोटो 38 लाख रुपए की वैल्यू रखती है क्या? चंडीगढ़ लेक क्लब का एक कथित नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल है। असली है या किसी की शरारत है, इस पर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। मतलब ऑथेंटिसिटी का अभी पता नहीं है, जैसा होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसमें जो कंटेंट लिखा है वो मतलब पढ़ के सोशल मीडिया की जनता लहालोट है। पैर के बालों से लेकर मोजों से आने वाली बदबू तक की इसमें बात लिखी गई है। मतलब ये तक लिखा गया है कि पंजाबी के कौन से अपशब्द आप यहाँ बोल सकते हैं और कौन से नहीं बोल सकते हैं, वजन उठाते हुए कैसा शोर मचाना है नहीं मचाना है, ये तक इसमें लिखा है। और तो और जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो है अंडरवियर की, मतलब कच्छों पे ठप्पे की बात इस नोटिस पे लिखी थी। अर्शदीप संधु नाम की पत्रकार ने ये तस्वीर डाली जिसके बाद ये वायरल हुई और फिर बाद में अर्शदीप ने ये फोटो हटा ली, बताया कि क्लब वाले इसे किसी की शरारत बता रहे हैं। कुल जमा ये समझिए कि क्लब वालों ने ये कह दिया कि हमने ये लगाई ही नहीं। तो असल में क्या था उस कथित शरारत में? डेकरम और क्लब बार की व्यवस्था के बीच जिम प्रॉपर कपड़े पहनने की बात थी। कहा था खास ध्यान दें अंडर गारमेंट्स पर, सिर्फ अप्रूव्ड अंडर गारमेंट्स पहने जा सकते हैं, लिस्ट और सैंपल ऑफिस में है, लोग अपने अंडर गारमेंट्स अप्रूवल स्टाम्पिंग के लिए ला सकते हैं। मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, लेकिन क्या इस लाइन का ये मतलब निकल रहा था कि अंडर गारमेंट्स पर ठप्पा लगेगा? मोजा ही मोजा टाइप बात आई कि मोजा ना गंधाए, उनको रोज धोएं, मोजों का स्मेल टेस्ट होगा। ऐसे ही देह से आने वाली बदबू के लिए भी कहा गया। साथ में लिखा था जिम में वजन उठाते हुए लाउड आवाज ना करें, ना गाली दें, कौन से गंदे शब्द बोले जा सकते हैं और कौन से गंदे पंजाबी शब्द नहीं बोले जा सकते, उसकी लिस्ट भी हमारे पास है। साथ में लिखा था शॉर्ट्स पहनने वालों को अपने पैर शेव करने होंगे। लोग देखते ही बोले नहीं, ये नहीं हो सकता, ये ऑफिशियल नोटिस नहीं हो सकता। अप्रूव्ड अंडरवियर, लिस्ट ऑफ बैड वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड, स्मेल टेस्ट, मतलब उनका ये मतलब था कि ये तो कोई क्या ही लिखेगा। कोई बोला स्मेल टेस्ट और परमिटेड वर्ड्स इन पंजाबी तो हार्ट टचिंग हैं। किसी ने कहा एक एक शब्द इस नोटिस का अनुकरणीय है। अनुशासन, शिष्टाचार भी लोग बाग भूलते जा रहे हैं। अगर अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखना है तो इसका अक्षरशः पालन हो। मुझको बस एक बात बताइए कि जिम जाके सांस्कृतिक धरोहर को कौन बचाता है?
पिक ऑफ द डे में आज बात करते हैं एक यूट्यूब चैनल की, अपना वार्डरोब कैसे अच्छा रखें, अपना क्लोजेट कैसे सजाएं, आपको घर के अंदर मतलब बजट में ही बहुत अच्छा आपका घर चमका के रखना है, जिसमें मतलब मैं तो बहुत ही आलसी हूँ लेकिन आइडियाज ले लेना चाहता हूँ, इसलिए कुछ कुछ यूट्यूब चैनल्स देखता रहता हूँ। ऐसा ही एक यूट्यूब चैनल मेरी नज़र में आया और उसका नाम है सिंप्लीफाई योर स्पेस। आशु खट्टर नाम की महिला इस चैनल के पीछे हैं और वो लोगों को तमाम तरह के टिप्स वगैरह देती हैं, तो अगर आपका इस क्षेत्र में इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।